बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिक्स ब्लॉग में बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। इंशाल्लाह जी आप लोगों को मेरा ये पास्ता भी यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जी हम वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मिक्स ब्लॉग। क्या हाल है जी मेरी वाइटी फैमिली का? इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मिक्स ब्लॉग में हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। पास्ता के लिए जी हमने लहसुन और प्याज को स्टीम दे लिए। मैंने जी तकरीबन किलो चिकन लिया और उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया। जो मैंने लहसुन और प्याज को स्टीम दी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इंशाल्लाह जी बहुत मज़े का बहुत यम्मी सा बनाएंगे। इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं जी। तकरीबन जी मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक शामिल कर दिया था। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च की शामिल की थी। 1 ही चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च की शामिल कर दी थी। साथ ही हमने 1 चम्मच गर्म मसाले का डाल दिया और 1 ही चम्मच धनिया पाउडर का डाल के साथ मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी, जिसको हम दड़ा मिर्च कहते हैं। तो इंशाल्लाह जी बहुत मज़े का बहुत यम्मी सा हम जी वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे जी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ये पास्ता ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यम्मी है, बहुत मज़े का इंशाल्लाह बनाएंगे जी। ये देखें जी मेरे चिकन अच्छे से पक रहा है। मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के तो उसको रख दिया। जब तक मेरा चिकन रेडी होता है हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं जी। मैंने जी तकरीबन 2 शिमला मिर्च ली, उन्हें काट ली। ये जी पास्ता लिया है और मैंने इसके 2 पैकेट पास्ता के बनाएंगे इंशाल्लाह जी। साथ मैंने आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो अब हम इसको पास्ता को बॉयल करते हैं जी। इसके लिए मैंने पानी रखा और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है और साथ ही 1 चम्मच में इसमें नमक भी शामिल करके अपना पास्ता भी इसमें शामिल कर देंगे जी। बहुत ध्यान रखना है जी, आपका पास्ता भी बहुत ज़्यादा नहीं गल जाना चाहिए। ये मेरा पास्ता हो गया तो मैंने इसको निकाल कर थोड़ा सा ठंडे पानी में इसको डाल दिया ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। मेरा चिकन भी रेडी हो गया था जी। मैंने जो आलू बॉयल किए थे वो इसमें शामिल कर दिए और साथ ही जो शिमला मिर्च मैंने काट के रखी थी वो भी इसमें शामिल करके तो हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरा चिकन का मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं और साथ हम इसकी वाइट सॉस पास्ता की सॉस रेडी करते हैं जी। मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैंने मैदा डाला है जी। तकरीबन 6 से 7 चम्मच मैंने इसमें मैदे के शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसको यहाँ पर मुसलसल हिलाते रहना है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकना कि आपका जो मैदा है वो जल जाए। बहुत एहतियात के साथ काम करना है जी, इसकी गुठलियाँ भी ना बनने पाए। ये देखें जी साथ साथ इसको हिलाते रहना। और मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था इसलिए कि मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए तकरीबन मैंने इसमें ऑयल डाला। ये देखें जी थोड़ा सा हमारा ये सॉस रेडी हो गया है। अब हम आपसे इसका अगला प्रोसीजर शेक करते हैं जी। इसको बिल्कुल हिलाते रहना, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी मेरा मैदा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना और इसको मुसलसल हिलाते रहना है इसमें ताकि गुठलियाँ ना बने। उस वक्त तक हिलाते रहना है कि जब तक हमारा सॉस अच्छे से रेडी ना हो जाए। ये देखें जी मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध करके इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से इसमें काफ़ी ज़्यादा दूध जाता है जी, तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध जाएगा। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डाल दिए और 1.5 ही चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च की भी डाली अपने सॉस में ताकि ये हमारा फीका नहीं रहे। और तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च की शामिल की है। ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए हमारी वाइट सॉस ताकि ये बिल्कुल गुठली नहीं होनी चाहिए, इसको खाने में बहुत मज़े की लगे और यम्मी सी लगे। ये देखें जी मेरे सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको पतला कर सकते हैं। चलें जी अब मैंने जो अपना चिकन का मटेरियल रेडी किया था वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी बहुत मज़े का, आप यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना मेरे किचन में, बहुत मज़े की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब जी मैंने जो अपना पास्ता बॉयल करके रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए कि मैंने इसको ठंडे पानी पर निकाला था तो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। ये देखें जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी सा मेरा जी वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। इंशाल्लाह जब आप लोग इसको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत मज़ेकार बहुत यम्मी सा रेडी होगा। मेरे तरीके से नहायत ही सिंपल तरीके से बताया जी, तो इंशाल्लाह जी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का, बहुत यम्मी सा जी व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्हाइट सॉस पास्ता पसंद आए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी किसी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।